पगतराम वर्मा जी है और हमारे भादर सिंह ठाकुर जी है, जो हमारे लिए निरंतर प्रेरणा के स्रोत हैं। और प्रेरणा इसलिए रहे कि इन्होंने बहुत लंबा टाइम इसमें लगाया है और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि हम इनके लगाए हुए पौधे को आगे बढ़ाएं। तो ये ना केवल प्रेरणा के स्रोत है, लेकिन ये हमारे को और ऊर्जा देते हैं कि हमें भी इसमें इतना ज़्यादा समय लगाना चाहिए। आज की इस सभा में विद्यमान हमारे केंद्रीय हाटी समिति के उपाध्यक्ष हैं रविदत्त भारद्वाज जी, हमारे जो जिला परिषद सदस्य है और हमारे हाटी समिति के सदस्य हैं सतीश ठाकुर जी, और उपाध्यक्ष हमारे जो हैं बलोक राजगढ़ के भी जो है ठाकुर विकल्प जी, और हरदेव शर्मा जो कि हमारे सदस्य हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, अन्य हाटी भाई हैं, आपको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। बहुत आपने स्वागत किया। हमारा जो एक्चुअली कार्यक्रम था ये जन जागरण का भी, और आपको धन्यवाद करने का भी। धन्यवाद इसलिए हम आपका करना चाहता है कि हमारी ताकत आप है, और जब हाटी समुदाय के 3 लाख लोग हमारे समर्थन में खड़े हुए तो हमारे को उतनी ज़्यादा शक्ति मिली, केंद्रीय हाटी समिति उतनी आगे बढ़ी और बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हुए, और हम स्थिति में थे कि हम सरकार के साथ इस लड़ाई को लड़ सकते थे। देखो एक बात मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, जो सतीश की बात ने बात की थी, केंद्रीय हाटी समिति में लगभग राजगढ़ ब्लॉक, संगड़ा ब्लॉक, शिलाई ब्लॉक, तिलोधार ब्लॉक और पांवटा ब्लॉक की लगभग 154 पंचायतें इसमें आती है, जबकि इसका सर्वे जब हुआ था तो उसमें 133 थी, लेकिन इस चुनाव में 20 पंचायतें बढ़ गई। और इसमें जो हमारी कार्यकारिणी है उसमें हर पार्टी, क्योंकि मूल रूप से जो हमारी रजिस्ट्रेशन है उसमें ये बताती है कि आप हाटी का मतलब है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, और यही सर्टिफिकेट बनने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप मूल निवासी यहाँ के हैं या नहीं है। मूल निवासी का मतलब है कि पहले से लेकर आप यहाँ रह रहे, ये बात बिल्कुल आपके मन में, जो मूल निवासी नहीं होगा उसको ये लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हज़ारों में यहाँ पर होंगे जो बाहर से सेटल्ड है। और इसमें जो डेट भी लगेगी, जो सजराना साहब, जो आपके रेवन्यू सारा रिपोर्ट चेंज होना है, वो जो सार की भी होगी जो भी एक्ट में आएगा, लेकिन हम विशेष रूप से ये बताना चाहते हैं कि इसमें जो है यहाँ का मूल निवासी होगा, जो केंद्रीय जो हिमाचल मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिसका अनुमोदन किया है। तो देखो हमारे साथ हर पार्टी के लोग थे केंद्रीय समिति, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी, इसमें कोई, और चाहे कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे कोई रिटायर्ड है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, और एक सर्वसम्मति पहल हमारा फैसला था केंद्रीय समिति का कि हमारे वो वोट का हकदार होगा जो हमें जनजाति थी। और ये हमने जो जो प्रण लिया था, जब हमारे डॉक्यूमेंट सारे तैयार हो गए, मैं पहले से इनको एक बात बताता था कि हमारी कागज़ बहुत कमज़ोर है और हम लड़ाई कितनी भी लड़ेंगे हम आगे नहीं जा सकते जब तक आपके कागज़ मजबूत नहीं होंगे और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है संतुष्ट नहीं होगा तब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप नहीं जा सकते। और रजिस्ट्रार जनरल के लिए हमने बहुत प्रयास भी किया, यानी दो दो बार पहले भी हम गृह मंत्री से मिले, मतलब जो दो मीटिंगें पहली हुई 19 में, हमें बड़ा दुख हुआ था, हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि इस बार शायद माननीय वीरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में, और जब भी हम 3 ही लोग थे सर जो लास्ट मीटिंग हमारी थी, इसमें माननीय वीरेंद्र कश्यप जी थे और चंद्रमोहन ठाकुर जी थे, तो हमें सफलता नहीं मिली। और पहली बार ऐसा भी हुआ था कि मुख्यमंत्री सर ने रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारे गृह मंत्री के साथ बैठक हो उसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भी लाया। हम ये चाह रहे थे कि हमारी बात रजिस्ट्रार जनरल के सामने आमने सामने होनी चाहिए, और रजिस्ट्रार जनरल मीटिंग में था क्योंकि वीरेंद्र कश्यप पहचानते थे, लेकिन वो एग्री भी कर गया, मीटिंग में एग्री कर गया, ना कोई जवाब दिया, और ये भी कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी के साथ बात हो चुकी है शिमला, और उसके बाद शिमला में चीफ सेक्रेटरी से मैंने बात की लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा, हालांकि उसकी ट्रांसफर कर दी गई। तो हमने एक ही फैसला किया था कि हम उसके साथ, हमारा मत उसके साथ रहेगा, और रेजोल्यूशन भी हमने 154 पंचायत का जो हमने पास किया था और वहाँ से भेजे थे हमने, वो रोनाट में हमारी पहली कुंडली हुई थी और वहाँ की महिला प्रधान थी, उससे हमने बटन दबा के ये संकल्प लिया था कि हम उसके साथ जाएंगे, बिल्कुल इसमें चाहे हम किसी दल के, चाहे कि जो हमारा काम करेगा। तो अब ये समय आ गया है कि हमें तो बड़ी खुशी इस बात की, आप बधाई के पात्र हैं कि आप 1,60,000 जो लोग हैं आप अधिसूचित है
कई बार 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 ये कहते थे लोग कि अधिसूचना जो है रजिस्ट्रार जनरल से कर दी गई है और 1,60,000 लोग आपसे ड्यू ट्राइब हैं, इसमें शेड्यूल वर्ड लगना है, ट्राइब आप ऑलरेडी है, और जनजाति विभाग की जो सबसे इंडिया का जो सबसे बड़ा ग्रुप है मैं भी भारत है, उस आपके लिए लगभग डॉक्यूमेंट्री भी तैयार कर चुका है, उसकी एक बहुत बड़ी टीम आई थी दिल्ली से जिसने 16 से पूरा ट्रेनिंग किया है और 17 लगभग 16-17 जो डॉक्यूमेंट्री उसकी इसमें आ रही है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि आप शेड्यूल ट्राइब हैं। और अब सवाल यह आ जाता है जो मूल रूप से इसमें प्रश्न है कि हमने हमारा साथ जो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री से जब हमारी बैठक हुई पहली बार और उसमें सबसे ज़्यादा रोल माननीय बलदेव तोमर जी था और सुरेश कश्यप जी थे, ये दोनों विद्यमान थे, सतीश ठाकुर भी उस मीटिंग विधानसभा में हुई थी, तो हमने इस बात में हम सफल हुए मुख्यमंत्री को कन्विंस करने की और हमने एक ही बात उनको कही कि हमारे इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हमें तो रिकमेंडेशन जो है जनजाति आयोग ने 79-80 में की और मैं कई पुराने लोगों से भी डिस्कस करता था, भादर सिंह ठाकुर जी अभी भी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे, नरेंद्र सिंह तोमर और वो दोनों सेक्रेटरी थे जो फाउंडर थे जिन्होंने ड्राफ्ट भी किया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं उनसे बोलता था भी 79-80 में रिपोर्ट आ गई तो आगे आपने क्यों नहीं बढ़ाई, और स्टेटों में तो हो गए, और स्टेटों में फिर इसका हमने सर्च किया रिपोर्ट जो रिपोर्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की जिसको हम नेशनल वो पार्लियामेंट में पेश होती है, पार्लियामेंट के हमने रूट ढूंढा, पार्लियामेंट ने उसको अडॉप्ट किया है, उसके बाद ये रिपोर्ट कहाँ जाती है, उसके बाद वहाँ की पार्लियामेंट की कमेटी है शुरू ट्राइव उसमें ये रिपोर्ट गई, तो मैंने उससे आगे क्यों नहीं बढ़ी, हमने तो उसका पीछा किया पार्लियामेंट में, तो इसने कहा कि ये रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में पड़ी रही क्योंकि इसमें जो है रजिस्ट्रार जनरल के लिए इसके रजिस्ट्रेशन के लिए केस जाना, उस समय नोडल एजेंसी नहीं होती, तो ये लगभग 40 साल से सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट में शुरू करना था ना, उसने तो किया नहीं, और जब हम उनसे बात करते थे अभी भी बहुत लोग हमारे फाउंडर मेंबर थे वो अब वो कहते हैं हम तो इसके बारे में ज्ञान था नहीं, हालांकि हमने उस समय गुमान सिंह जी को ही भेजा था, गुमान सिंह जी तो प्रेजिडेंट होते थे, मैंने कहा तो बहुत बड़ी विनम्रता हुई है आपने हमारा इतना लॉस किया 40 वर्ष में, आप आकलन लगा सकते हैं कि 40 साल पहले से जो है हमारे हजारों नौकरियाँ आके बच्चों की गई है, 42,000 परिवार 2011 में कहते हैं आप कि 2011 में लगभग 42,000 फैमिली है, आज लगभग 50,000 फैमिली है, आप आकलन लगाइए जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की कि हम हिंदुस्तान के तो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में हैं ये, लेकिन संगड़ा और शिलाई और जो वो सबसे बैकवर्ड सब डिवीजन भी है, हम तो सबसे निचले पायदान पे, तो हम तो ऐसे ही स्वाभाविक एलिजिबल है शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए, तो किन्नौर और सब हमारी और किन्नौर में भी अगर प्रति व्यक्ति आमदनी लगाएं वो भी हमारे से 5 गुने ऊपर है, तो हमारे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि और मुख्यमंत्री को ये बताने में सफल हुए, हालांकि उसी जब हमारी डिस्कशन चल रही थी उसकी बीच की स्टेज में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कॉल किया, हालांकि वो खाना खाने जा चुके थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं उनको मीटिंग में इमीडिएटली बुलाई, तो हालांकि आगे और बहुत अच्छे चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया हमारा, हालांकि हमने उनको थैंक्स भी किया, हालांकि बीच में वो किसी परिस्थिति से चेंज हो गए और डॉक्टर राम सुबोध सिंह जी थे वो दिल्ली में उनको डिप्यूट किया गया था, हमारी उनके साथ दिल्ली में बैठ के हुई, उन्होंने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री से आदेश है कि आप दिल्ली में रहें और जनजाति मंत्रालय से कई मंत्रालय से इसकी क्लियरेंस होनी थी, तो हमारी उनके साथ निरंतर बात हुई, तो लेकिन सवाल ये है कि ये चीज़ें जो है उसके बाद मुख्यमंत्री ने एश्योर किया इसमें और मुख्यमंत्री कन्विंस हुए कि हमारा पैसे का नुकसान किया, जो सब प्लान में पैसा आना था हमारा वो लगभग, अब मैंने बलदेव तोमर को भी बोला कि आप मेरे तक कैलकुलेट करा लें ट्राइबल विभाग से अभी आपके पास कितना पैसा रहो तो कहता आना, मैं इसको कैलकुलेशन करा लें और आप इसमें, तो लगभग हमारा जो है आधा पैसा आता रहा, तो क्या जो आपने इलेक्टेड आदमी भेजे हैं यहाँ से 40 साल से चाहे विधायक है चाहे ये क्या करते हैं, हमें तो इस बात का, और हमने तो वेबसाइट भी बनाई, हमने जन्म कुंडली बना रखी है इनकी, हमने वेबसाइट अपनी तैयार की है कि भाई जो आपने काम किया तुम बता दो, जो इन्होंने किया तुम बता दो, आप इसमें एक दूसरे पे छिटाकसी क्यों कर रहे हैं, हम तो अब हमारी जो वेबसाइट है उसमें हमारे जो पढ़े लिखे लड़के यहाँ से जो कॉलेज वो अपडेट कर रहे हैं उसको सारी, और इवन हमने जो ये तैयार की है हमारे एरिया लड़कियाँ हैं जो प्रोफेसर वगैरह है कॉलेजों में उनकी हमने टीम तैयार की है और उनसे ये तैयार करवाया है सारा, और वेबसाइट भी हम कि आपकी कोई भी चीज़ है आप उसमें डाल दो,
आप पता लग जाएगा सारी बात है, इसमें बोलने की तो जरूरत नहीं फील्ड में कि मैंने ये किया, मैं दिल्ली गया था। भाई आप क्यों बोल रही है, आपकी साइड बता देंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारा लॉस इतना क्या, रेवेन्यू लॉस लगभग 20,000 करोड़ का हुआ है, और ये मुख्यमंत्री से कन्विंस्ड है, ये पैसा सारा दिल्ली से आ रहा है, भारत सरकार इसको देना चाहती है। भारत सरकार का जो बजट है लगभग 10 गुण, लगभग 80,000 करोड़ है। हिमाचल गवर्नमेंट तो खुश है इस बात से कि बजट सारा दिल्ली से आ रहा है आपका, यहाँ का बजट हमारा दूसरी जगह जा रहा है। मुख्यमंत्री तो इस बात से संतुष्ट है, और ये उन्होंने प्रभावकारी तरीके से और एरिए की। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाधा एक ही थी जो तेने जो आज तक हमने लगभग 50 RTI ड्यूरिंग डाली है इसमें, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, और इवन RTI से अगर संतुष्ट जवाब नहीं आया तो हमने अपील भी की है। इवन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को हमने अपील डाली है, और रजिस्टर लेटर हमने उनको भेजते थे। जनजाति आयोग के चेयरमैन को भी हमने चिट्ठी लिखी, जब ये कह रहे थे ना, जब ये मिल रहे थे जनजाति आयोग और दूसरों से, तब भी मैंने उनको एक ही बात कही थी कि हमारी पटिशन ऑलरेडी जनजाति आयोग के पास है। हमने जो मेमोरेंडम दिए प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए, चाहे जनजाति कार्यालयों को दिए, हमारे मेमोरेंडम को पटिशन ट्रीट किया और उस पर कार्रवाई किया प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कार्यालय और जनजाति विभाग जो का जो कार्यालय है वो लगातार बहुत इसमें रहा इसमें, और हम निरंतर, और हमने एक चीज़ एडॉप्ट की केंद्रीय, मैंने इनको एक ही चीज़ बताया था कि कागज़ हमारे जो है अगर जवाब नहीं आता था हम RTI डालते। हमने जितने भी विभाग हिमाचल के थे, मैंने इनको कहा था कि किसी विभाग से आपको जवाब नहीं मिलेगा। आज का सरकार का स्थिति ऐसी है कि एक क्लर्क से भी आप काम नहीं ले सकते ऑफिस में। RTI डालिए, RTI में नहीं जवाब आएगा अपील कीजिए, अपील नहीं आएगा तो सीज तक। एक अपील हमने ऐसी की जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक गई है, अगर चीफ में नहीं आएगा मैं कहा हाई कोर्ट में जाएंगे। अब हमारे पास तो रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि जब पॉलिटिकल आदमी तो हमारे पास नहीं है, तो हमने ये कोर्स अडॉप्ट किया और हमें बहुत बड़ी सफलता हुई। तो रजिस्ट्रार जनरल एक ही बात कर रहा था कि आपके पास नोडल एजेंसी नहीं, भाई आपके सरकार को पता नहीं लगता ना, आपके जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकली प्रेशर से तो नहीं, नोडल एजेंसी तो बनाइए, स्पेशलाइज एजेंसी चाहिए। और आज इनको पता लग रहा होगा कि नोडल एजेंसी बनाई इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज एंड ट्रेनिंग, और उसने वो रिपोर्ट तैयार की, और लगभग उसमें स्पेशल एंथ्रोपोलॉजी के और सोशोलॉजी के लोग थे। और आज और मुझे पता था कि अगर हमारा केस बी इसमें जाएगा, यह हर हालत में कोर्ट में जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कोर्ट में एक नहीं और पटिशन भी हो सकती है इसमें, लेकिन हम वैधानिक जो प्रक्रिया हमारी चल रही है उसमें कमजोर नहीं होनी चाहिए। और यही बात अभी तक कईयों को समझ नहीं आ रही है कि दो संवैधानिक संस्थाओं से हमारी सिफारिश है। संवैधानिक संस्था का मतलब है कि रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो बाइंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों की हमारे पास रिकमेंडेशन है। आज कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए और उससे पहले चले गए, अभी कैबिनेट में भी हमारा मामला, हमें पता था कि जब इनका काम इधर से नहीं बनेगा तो दे विल मूव टू द हाई कोर्ट। तो लेकिन हमें पता है कि हमारे जो कागज है बहुत स्ट्रांग है, हर लिहाज में हमने कोई भी चेंज नहीं की है। हम उसके सामने जो इन्होंने नोडल एजेंसी बनाई, लगभग 8 बार तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपील हुआ उसके सामने, क्योंकि गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी से हमें चिट्ठी थी कि आप अपने दस्तावेज लेके जो है, जो इवन DC सरोवर को उसमें कॉल किया गया कि आप सेटलमेंट का रिकॉर्ड भी लाइए इनका, क्योंकि यहाँ जाति का मेन जो चक्कर यहाँ की जाति का था, राजपूत और ब्राह्मण, और राजपूत और ब्राह्मण का जो वो रजिस्ट्रार जनरल कह रहा था कि नहीं आपको नहीं मिलेगा। हम कह रहे थे नहीं, हम भाट और कनेत हैं, हमारी तो फाइट ये थी ना, जब भी मीटिंग वो बोलते नहीं आपके बोलने से थोड़ा होगा, कागज़ नहीं आपके पक्ष में, आप कागज, तो मैं कहा कागज़ कैसे होगा, हटी है हमें, हमारे को बोलते हटी है, और कहता नहीं कागज़, कागज़ तो मैं कहा हम, ये तो शोध का विषय है, रिसर्च करवाइए ना, रिसर्च कौन करेगी, नोडल एजेंसी करेगी ना, ये DC और वो थोड़ा भी कर, क्योंकि जो असली हमारे ऊपर मार पड़ी है कि ये कागज़ सिर्फ DC कर उसके भेज देंगे, और नहीं मार रहा था, 200 बार उसने चिट्ठियाँ लिखी है और किसी ने रिकॉर्ड नहीं पढ़ा। लेकिन जब ये पता लगा, ये सारा रिकॉर्ड गया, और उसने एथनोग्राफिक रिपोर्ट आपकी तैयार की, लगभग 82 पेज की रिपोर्ट है, भारत सरकार को गई, उसके आधार पे हमें, हमारे को पता, अभी एक चीज़ आ रही है, हमारा कास्ट करेक्शन का भी चल रहा है, अब उसमें जो एंट्री होनी है, हालांकि जॉइंट सेक्रेटरी रेवेन्यू उसको देख रहा है और रेवेन्यू के साथ हमारी बैठक हो रही है, उसमें हटी आएगा पहले, ये बात तो समझी।
हाटी जो आपका सर्टिफिकेट बना नाम आएगा, फिर हाटी आएगा, हाटी के बाद आलवा कुल जो खस सो भाटो सो जो किए। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, जर बोल दे कही जे सब आने हैं जो या तो मूल निवासी। लेकिन क्योंकि पहला शब्द आपका हाथी लिखा है, जो जो सबसे पहला भ्रम यहाँ पर पैदा किया गया और साथ में जो पटौते ने किया, जब हमारी मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो रही थी, सारे के सारे लोग जो पटौते के और ये केदार सिंह जी वगैरह, हालांकि हमने यहाँ भी भेजी, मैंने कहा आप इस चीज़ के क्यों घबरा रहे भाई, इतना बड़ा काम किया है, 1,60,000 में तो सब व्यस्त, 1,60,000 में हम सब आते हैं और इसमें मूल निवासी जो है वो सबके सब आने हैं, मूल चाहिए आप, मूल आप समझ लेना पर। और इसमें एक चीज़ और है कि जो लड़की बाहर से आ रही है यहाँ शादी होकर, उसका नहीं बढ़ेगा, उसके बच्चों का बढ़ेगा, ये बात भी समझ आनी चाहिए। यहाँ की लड़की जो बाहर जा रही है उस लड़की का तो बढ़ेगा, उसके बच्चों का नहीं बढ़ेगा, ये शुड बी वेरी क्लियर टू द जो समझ में बात आ जानी चाहिए। लेकिन मिलेगा यहाँ के जो हो सकता है हमारा 2831 हुआ है सर, और जो हमारा पहला गजेटियर कान सिंह कपूर वही सेटलमेंट कमिश्नर था, उसी से वो उसने ड्राफ्ट किया हमारा पहला गजट 1934 वाला, और उसमें रैंकिंग भी की है उसने जातियों की, हमने वो डॉक्यूमेंट उनको दिखाया है, उसने लिखा है कनेत पारवे बस और आरवे बे, लेकिन आरवे जो कनेत थे खश कनेत थे, और वो लाइन पेज 50 में थी, हमने उसमें सारे स्लिप लगाए हुए थे जो कन्विंस, और रंजोत सिंह ने तो क्लियर कट लिखा है, वो भी तो सर रंजोत सिंह जो जज रहे हैं सर बोल, एक भ्रांति अभी परसों से और फैला दी इन्होंने दूसरी भ्रांति। अच्छा ये भ्रांति तो हमारे हट गया ना लाइन है, जो पाबू श्वान है कि जान है, हमने बोल दिया हम लेते जिम्मेवारी भाई, हमारी जो पंचायत सक्षम कमेटी है हम इसका काम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, क्योंकि 2,00,000 के करीब सर्टिफिकेट बनने हैं आपके और ये सारे लोग दौड़ेंगे तहसीलों में, लेकिन ये काम हम उन पर देंगे, जैसे ही सेक्रेटरी रेवेन्यू से ऑर्डर भी हम करवाएंगे, DC के लिए भी करवाएंगे, इतनी थोड़ी ऑर्डर पहुँचा देंगे तुम्हें, तो आगे की हमारी कमेटी कर ली, तो ये हमने इस भ्रांति को तो हमने दूर कर लिया, क्योंकि मूल निवासी समझ लेना उसका सर्टिफिकेट बनेगा बनेगा, ये प्रक्रिया है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़, दूसरा भ्रम गिरी फैला पाती थी, जैसे जो खत्म हो गया तो बोलने लगे गिरी यार उसे नोटिफिकेशन लाओ, मेरे को जितने बंदे मीट दे आजकल में लगभग 10 दिन में आपका अभियान जरा लेट हो गया, ये मुझे इस बात का दुख है कि हम राजगढ़ इसको कम टाइम दे पाए, शिलाई में हमारा बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा है, केंद्रीय समिति के बहुत लोग हैं, और मुझे कल ही इस बात का हुआ कि हाँ बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था यहाँ अभियान ही, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। तो दूसरा बोला नोटिफिकेशन, जहाँ भी जाए नोटिफिकेशन, जो बोल नोटिफिकेशन लाओ जी, नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, और एक शब्द का कर दे गए पर जुमला, अब उन जुमले का मुझे पता नहीं लगा, जुमले का तो मुझे पता नहीं लगा, लेकिन नोटिफिकेशन तो मैंने बहुत लोगों के बाद, हालांकि हम डिबेट में भी कई जगह बोलते डिबेट में नहीं आएंगे, आमने सामने बहस में नहीं आएंगे, तेनर तो आ लोग जुहरे उल्ले करना, तो हमने बोला नोटिफिकेशन। देखो भाई नोटिफिकेशन एक नहीं, कई नोटिफिकेशन होगी, कई नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन सबसे पहली नोटिफिकेशन जो होगी वो रजिस्ट्रार जनरल करता है कि आप रजिस्टर्ड है, जैसे आप कोई गाड़ी लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, मालिक बन गया तो रजिस्ट्रेशन हमारी हुई, हम तो जनजाति है अब, वो तो वैधानिक प्रक्रिया ना अगले। देखो 13 अप्रैल को हम जब हमारा डेलीगेशन माननीय गृह मंत्री से मिला, माननीय मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री आपको कहाँ मिलेगा यार, इतना विनम्रता तो है, लेकिन 9 एरिया है, हमारा एरिया सबसे पहले लिया है, और हमने उनको जब हमारी लास्ट में बैठक भी हुई थी गृह मंत्री से मिलने के पहले भी, मैं क्या आंकड़े दूंगा, तो हमने उनको कहा भी 5 में तो हम है ही है पूरे, और 4 में हम और जगह भी आपको सहायता करेंगे, और हमारा यूनिट सोलन भी है, हमने सोलन यूनिट के साथ बैठ के भी की, अभी मतलब हम चाह रहे हैं कि हम राजेश की वहाँ हेल्प करेंगे, लगभग 3-4 हज़ार वोटर हैं, शिमला यूनिट हमारा है उसमें भी हम उनकी हेल्प करेंगे, तो हमने यही बात बताई कि हम हाटी लोग हैं, ऐसा अप्रोच नहीं है, हाँ हमारे को कोई अगर पानी भी पिलाता है तो हम उसको दूध पिलाना चाहते हैं, हम उसका बिल्कुल कमिटेड है वो देने के लिए, और ये डिसीजन कलेक्टिवली लिया गया 3 लाख लोगों ने। तो अब सवाल आ गया नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार जनरल ने कर दी है, अब कौन से नोटिफिकेशन चाहते थे, और उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, अब जब नोटिफिकेशन हो गई, ये बात आपको थोड़ी समझने वाली है, नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार जनरल ने कर गई, और दूसरा जो ग्रुप है भड़का दिया था, जैसे हम दिल्ली दपाच हुआ है और ये चेंज हो गया, अरे ये क्या हो गया, हमारे साथ 14 जातियाँ हैं रजिस्टर्ड है, और इन्होंने रजिस्टर करवाई है 83 के जो हमारे पुराने लोग हैं जो फाउंडर हैं, और 14 की 14 जातियाँ अधिसूचित है उसमें,
तो मैंने कहा ये तो हमारे साथ ही है सारे भाई, 90,000 ऐसे भी हैं और 1,60,000 ये भी हैं। अब इनको इनके कौन से अधिकार खत्म हुए? ये हमारे तो अधिकार ही सारे खत्म हो गए, एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगेगा। मैं कहा एट्रोसिटी एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका, अगर वो थोड़ी बहुत चेंज भी करनी चाहिए तो केंद्र सरकार ने नहीं मानी उसको, ये पार्लियामेंट ने नहीं माना उसको। एट्रोसिटी एक्ट तो कभी भी खत्म नहीं होता, वो तो सेंट्रल लॉ है और सेंट्रल लॉ को जो है सेंट पार्लियामेंट ही कर सकती है। ये कैसे होगा खत्म? यहाँ तो सेंट्रल लॉ रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और पर ये हाँ, ये चीज जो परिस्थिति दूसरी थी कि आप पे नहीं लगेगा क्योंकि आप एसटी में हैं, जो बात समझने वाली है, जो मूल रूप से जो जिसको वो खुले रूप से व्यक्त नहीं कर रहे थे कि क्योंकि आप एसटी और एससी है, अब आप उनकी बराबरी इस पे है, जी बराबरी पेडल पे है। और एक चीज अलग है कि जो उन्होंने जो डिस्कशन की थी उस समय, उसमें भी हमें बड़ा दुख है कि अब जो आप 1,60,000 है, आपका बजट एलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होगा एंड इट इज ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। और हमने कैलकुलेट कराया ये कि कितना बजट जो है, लगभग किन्नौर की आबादी भी 1.5 लाख है, वो कितना बजट जा रहा है और उतना ही बजट हमारे को आना है। तो लगभग हमारा बजट भी लगभग 800-900 करोड़ के करीब सब प्लान में, अगर आपको दिखेगा पैसा हम ये नहीं बता रहे जो एरिया की जमानी बात हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये 90,000 पॉपुलेशन गई और उन्हें झूठे आंकड़े किया ने कोट कि जी 800 करोड़ आता है एससी, हमें तो एससी का चाहिए। मैं कहा कोई बात नहीं, एससी एससी का जब हमने हमने तो बजट लिया सारा, बजट इसका मंगाया तो एससी का जो बजट है 800 तो पूरे स्टेट का है। मैं कहा सिरमौर का कितना है? पूरे सिरमौर का 100 करोड़ के आसपास। मैं कहा ट्रांसगिरी में कितना आएगा? तो ये तो 50-60 आएगा। तो यार मैं 50-60 है आपकी आबादी है 90,000। अब यहाँ से अगर हमारे साथ ये जुड़े होते, देखो हमें इस बात का बहुत दुख है और इसमें हमारी दूसरी आबादी पीसी पर्टिकुलरली ये जो डोम समुदाय है हमारे पीछे पड़े हुए हैं भाग दो के, डोम ओसो नाथ ओसो तुरी ओसो, ये हम तो आना चाहते थे। और एक समुदाय ऐसा है गोंड ट्राइब, गोंड जाति का वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, अब हमारे कोई समझ नहीं, एनआर एना तो समझो हमारे नाम तो समझो, कि वो 10 साल से ट्राई कर रहा था कि हमने एससी से एसटी में आना, और उसको उन्होंने मान लिया। 13 डिस्ट्रिक्ट में रहता वो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उनका केस प्लीट किया है। वो तो आगे बोलते जी हमारे को तो यहाँ पैसा ही नहीं मिल रहा, और सर्टिफिकेट बन रहा सिर्फ, बाकी हमने क्या लाना सर्टिफिकेट से, जॉब तो लिमिटेड है ना, और जॉब में तो कंपटीशन रहेगा तो पैसा तो आना सब भी के, तो ये हमारे को थोड़ा सा घाटा रहेगा। अब नोटिफिकेशन जो है जैसे रजिस्ट्रार जनरल ने की है, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है उनसे पूछने की, कि रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिफिकेशन भी कर दी, उसके बाद ये कोर्ट में चले गए, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन, जो दलित शोषित मंच है उन्होंने आपका हाई कोर्ट में ले गए 4 महीने, और हाई कोर्ट में 1,60,000 पर हमारे पर मुकदमा है। ये बात हम समझ रहे हैं, कि उन्होंने कहा है कि कई शब्दावली उन्होंने प्रयोग किए कि ये जो हटी है, और वही शब्दावली परसों पावटा में भी उन्होंने बोली है दूसरी सभा में, उसका भी हम जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये शब्द ही कहता आर्टिफिशियल है हटी शब्द के लिए। मैंने कहा यार हटी तो मुख्य गाँव गाँव जो भी बोल दे वो वह रेत बनावटी है, ये शब्द ही बनावटी है। तो मैं कहा तो इसका मतलब जो रिसर्च टीम है जिन्होंने इसको रिसर्च किया है उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, और उसको नहीं आप पढ़ रहे जो बुक्स हैं, तो उसमें पटिशन में भी उन्होंने लिखा है एट्रोसिटी का भी लिख, और उन्होंने जो कई चीज़ ऐसी भी लिखी है कि एट्रोसिटी बहुत ज़्यादा है। हमने जो क्राइम ब्यूरो से आंकड़े लिए, क्राइम ब्यूरो से हमने आंकड़े लिए हुए सारे, और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि यहाँ तो 0 है, अभी तक 2 मामले हैं सिर्फ। तो ऐसी चीज़ें अब सवाल ही आ जाता है। अब ये अगली नोटिफिकेशन से ये जो कोर्ट है देर क्या उठ रहे कोर्ट है, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, ये मांग जाके लिए नोटिफिकेशन किया, और मांगने वाले कौन हो सब जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। हमने बोला तुम एक चिट्ठी तो दिखाओ यार, हमने अपलोड करनी है इसमें, हमने अपनी वेबसाइट में अपलोड करनी है। आप बताइए आपने क्या काम किया 50 वर्ष में, चिट्ठी बताइए आप हमें, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपने किसी भी घोषणा पत्र में इसको नहीं डाला, तो आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते इस तरह से। अब हम बोलो अब वो दूसरी नोटिफिकेशन, आपने 1,60,000 जो लोग अधिसूचित है उसको तो आपने उसके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा है हमारे ऊपर ही 1,60,000 के ऊपर, और उसने कहा है कि और उसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पार्टी, उसमें जो बिरेंद्र मेलबलक मेरी उनसे बात हुई जो शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन है माननीय कश्यप जी,
मैंने कहा आप इनके साथ क्यों डिस्कशन में जाते हैं, आप तो इसमें पार्टी है और आपको जवाब देना हाई कोर्ट में। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टी है, और ये जो आपका जनजाति आयोग है वो भी पार्टी है। तो जिसने हमारी नोटिफिकेशन की वो भी पार्टी, उसको भी जवाब देना हुआ। अब से रिपोर्ट अब काम आ लेना, तो अब जवाब देना कि जो आपकी नोडल एजेंसी ने रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि रिपोर्ट चैनल चैनल में नहीं है। और हालांकि हम देख रहे थे कि अभी तक जो है एक हियरिंग नहीं हुई थी, एक हियरिंग होनी थी, लेकिन उन्होंने उसको 4 टाइम और बात। तो विडम्बना इस बात की है कि जो लोग नोटिफिकेशन की डिमांड कर रहे हैं वो लोग हैं कि जिन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, कोई अधिसूचना निकाली है। अब अधिसूचना जब निकाल दी तो क्या दूसरी अधिसूचना निकल जाए, जब आप मामला न्यायालय के विचाराधीन। देखो वैधानिक प्रक्रिया है, न्याय विचाराधीन उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अगर इसको आप शक्ति जल्दी से आप इसको और हमने गवर्नमेंट से बात पिकअप की कि हम हमारे को कोई जल्दी नहीं है, वैधानिक प्रक्रिया होनी चाहिए पूरी, और हम आपने देख रहे हो गए विशेष हमारे को बिल्कुल जल्दी नहीं है। जल्दी उन लोगों को है जो 50 साल जिन्होंने नहीं किया, और हमारे को पता है कि जिस जो प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब है पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, हालांकि चैलेंज इसको फिर भी करना है इन्होंने, लेकिन फिर चैलेंज इतना आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो आज दिक्कत यह है कि हम आप लोग सब उसमें पार्टी है हाईकोर्ट। हमने पूछा भाई जो जो लोग उसमें गए हैं उसको फंड किसने दिया है, कहाँ से आया पैसा, ये भी तो पूछो ना दो। जो आप आपके लिए आपके पास जो वोट मांगने वाण है तो आधे तो सीधे बस जिन पर मुकदमा सो हाईकोर्ट वाला सीधे तेनाली समर्थन में चल रहे गिर तो, और फिर वोट मांगने मोमो दिया के ओमो गए के सब कौर था और अमो दे बूट मांग रहे की जो अमो गए ए बूट भी होती हूँ और हमारे बंदे नहीं थे आपसे थे चलो मैं कैसे। इस तरह की मैंने हालत नहीं देखी जिंदगी, और वो लोग जोड़े उनके साथ क्यों। मैंने बोला भाई हमारे पे तो केस है हाईकोर्ट में, बिचारा दिन हमारी पटिशन जो हमारी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार जनरल ने रिप्लाई दे रहा वहां पे, और आप बोल रही है जे ओके नोटिफिकेशन कार्ड होती वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जल्दबाजी में आप गवर्नमेंट आगे कई बार ये भी हो सकता था कि प्रेशर डाल दो, ऑर्डिनेंस ही निकाल दो। और एक मीटिंग उन्होंने की थी, इनका नेशनल लीडर आया था कि स्पेशल सेशन बुला। अरे मैं कहा स्पेशल सेशन तो एमरजेंसी में बुला जाता है अंडर आर्टिकल 352 कॉन्स्टिट्यूशन, तो पढ़ लो ना थोड़ा। आज तक ज्वाइंट सीटिंग तो हो सकती है, स्पेशल सेशन नोना हाटी की, सिर्फ हाटी नहीं हुआ, 6 स्टेटों का बिल है वो बड़ा हुआ। लेकिन उसमें जो नोटिफिकेशन जो है, हमने कहा कि ये वैधानिक जो प्रक्रिया है पूरी होने दो, उसके बाद हमारा माननीय जो राष्ट्रपति है उसके बाद ये बिल वहाँ जाएगा, और अधिसूचना जो माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी उसको हम चाहते हैं। और ये हमने गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कह दिया और स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल प्रोसेस चलने दीजिए। तो अब इन्होंने से जो होगा अब वो अधिसूचना यानी कम करने शुरू करवाया, तो अब हमने इस पर बोलना शुरू किया। मैंने कहा इनसे ये पूछो जो जब तुम वोट मांगने आते हैं कि जन्म गए केस करता ना तेने जो ते उनको पैसा कौन ये देता, जो दे देता तू या तो चलो तुम जे जो इतने वोट मांगने आए वो मुझे वोट मांग रहे गिरी वहाँ जो आपको फाइनेंस किया है। तो मैंने रेणुका में विशेष रूप से बात की है कि ये सबसे ज़्यादा जो इसमें लोग सहायता की वो रेणुका से, यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने हमारा समर्थन किया और खुली रूप से किया, गाड़ियाँ भी सूढ़ी हमारे साथ। लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है जिसको हमने अभी जो रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने हमारी पूरी सहायता की, हर प्रकार की जो है वो भी की है। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि जब आपका माननीय उच्च न्यायालय के अधीन मामला है तो क्या दूसरी सूचना हो सकती है। अब तो उसे विचार होगा, विचार होने के बाद हमने तो एक ही बात की है, दोनों सदनों से पास कराइए, उसके बाद हमारे को बिल दीजिए, नंबर वन। अब यानी परसों गिरे, अब उसको इनको लगा इसका तो जवाब आ गया। अब परसों जो है पाउटा में एक रैली हुई है, अभी मैं इनसे कह रहा था मैं आपने सुना है इस चीज़ को, उन्होंने कहा है कि नहीं जी ये तो गलत है, ये तो राजपूत और वो है, ये तो पूरे हिमाचल के होने चाहिए, जो ले पाओगे कि राजपूत ब्राह्मण कैसे दे दिया। ये ऑब्जेक्शन रजिस्ट्रार जनरल के थे, रजिस्ट्रार जनरल की जो आपत्ति थी राजपूत ब्राह्मण पर थी, अब वो ले लिया, ये कैसे बन गया। अब इन्हें तो कि नहीं थी और थे नहीं, तो रिपोर्ट तो उन्होंने नहीं पड़ी 82 पेज की, जो जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो इंस्टीट्यूट बढ़ाया है स्पेशलिस्ट, अब वो कह रहे पाउटा में कि ये एक तो गलत हुए, इनकी जाति बदली है, इन्होंने दी थी कर थी, और उनको इस बात का पता नहीं है।
कि आपको हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारी जाति किसने बदली। 1955 में बदली गई है। 1955 में ये पता कीजिए कि किसकी सरकार थी। हमारे पास अंडर सेक्रेटरी हिमाचल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, है? और उसमें जो जाति कुंजी बदले कि जितने भी कन्हैया थे उनको राजपूत लिखा जाए और जितने इसमें भाट है उनको ब्राह्मण लिखा जाए, ये हमारे पास कॉपी में मौजूद ब्राह्मण को। और आप ये बताइए, और आज आप हमारे को, मैंने कहा और यही बात हम रजिस्ट्रार जनरल को भी, जब हमारी बैठक हुई रजिस्ट्रार जनरल के साथ माननीय सुरेश की अध्यक्षता में, हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई और वो कन्विंस हुआ। मैं कह जी एंथ्रोपोलॉजी में कहीं हम हमारा शब्द नहीं मिल रहा ये, और रजिस्टर और बार बार हमारे जबरन हमारे को राजपूत ब्राह्मण लिखते और बाद में रिजेक्ट कर देते कि ये नहीं आ सकते। तो हमने बोला जौसार के कैसे आए, बोले ये तो भाट और कन्हे थे। तो मैं कहा हम भी तो वही है, बोलो है नहीं आप रिकॉर्ड में नहीं है ना, कागज करो पहले और इसके लिए नोडल एजेंसी बनाई वो बड़े। तो अब वो दोबारा रिपीट करने लग गए। तो हमने उनको कहा भाई किस कुण ये पौधे थे हमारी कास्ट के, हमारे तो आपने 50 साल लाभ खत्म कर दी। अगर ये जाति नहीं बदली 55 में होती हम 67 में हो जाते, हमारी 55 की अंडर सेक्रेटरी। अब ऐसा करो तुम्हें पता जो कौन थे तथा मंत्री तुम्हारा कौन थे, ये तो जनता के इसमें हम छोड़ना चाहते हैं। तीसरी चीज हम जो बोलना चाहते हैं कि हम हमारी जो लड़ाई है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी कमिटमेंट है कि हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल इस समय हमने बहुत क्रूशल मामला स्टेज पे हमारा मामला है और हमारे जो बच्चे हैं इसमें खुशी से पागल है क्योंकि उसकी कीमत समझ रहे हैं कि इसकी कीमत क्या है और कितनी उनके मन में जो है। बल्कि जिस दिन शिमला में हम ऑनर करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के जो हमारे बच्चे हैं यहाँ से तो एक एक क्विंटल तो उन्होंने कम से कम लड्डू खरीदे थे और इतने, क्योंकि उनको पता है कि इसका लाभ सब बच्चों को है। जो बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है आपका, चाहे वो कॉलेज में है यूनिवर्सिटी में है आईआई उसमें, सब बच्चों को स्कॉलरशिप लगने और अच्छे अमाउंट के स्कॉलरशिप है, लगभग 10,000 होती जो तो एमए एमफिल वाले जो राजीव गांधी फेलोशिप है वो तो लगभग 30,000 रुपये का हर बच्चों को मिलना है। और ये एक बहुत बड़ा काम, ऐसा लाभ कहीं नहीं मिलेगा जिंदगी में आपको कि आपका हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिले और लॉन्चिंग पेड दे। और ये जौनसार वाले हमारे को बोलो कि भैया आप तुम्हें तो लिख दे रहे सारी बारी, हमारे हम हमारी दो कुड़ी रिटायर हुई और हमारे बच्चे कहाँ, हम कई बार उनकी मीटिंग में हमने अटेंड की, देहरादून में होती है साल में अनुअल, उसमें 500 सुपर क्लास और अफसर है जबकि हमारे एरिया उनसे कम है और ऑल इंडिया सर्विसेज में बहुत लोग उनके हैं। ये जो एमएलए हमारे वहाँ के मुल्लाल चौहान जी कई बार आते थे बैठकों में, वो बोलते थे यार मेरे साथ के लोग डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो गए और तुम्हारे ने भी तो लिखे और शुक्रिया क्या करे लिखने से लगे हुए कितने साल, आप कोई एक पैदा नहीं कर सके वहाँ 3 लाख की आबादी गुलाम में। हमने बलदेव तोमर जी को फोर्स किया, इसीलिए हम उसके पीछे पड़े रहे। मैंने कहा आपकी भूमिका इसके गुलाब सिंह वाली लीजिए, आपने क्या कमी गुलाब तान देश, वो भी तो पर्वतीय मंत्री था और हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन भी उसमें डाला। हालांकि वहाँ पर भी बहुत कठिनाइयाँ आ रही है अभी, बहुत से लोग नहीं उनकी, पर उनका योगदान हम नहीं भूल सकते जी। ये उनकी फ्रेंडशिप भी थी और उन्होंने अपना जीवन भी उसमें लगा दिया और यहाँ तक कह दिया कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति और आपके साथ आ जाऊँगा, और यहाँ भी छोड़ दिया, अगर नहीं होगा तो वोट ही नहीं मांगू किससे। तो एक उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे लिए की है, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और विशेष रूप से जो लाभ है, लाभ का तो कोई अंत नहीं है, आप देख लेंगे हमारे यहाँ के इन लोगों का रोना ही यही है। मैं तो एक बार कई बार इनसे पूछा, मैंने कहा यार आप हमारे नहीं हो सकता कोई स्टेट और नेशनल हाईवे, आप बोल रहे ना टूरिज्म होना, तो कैसे होना टूरिज्म, टूरिज्म तो आएगा नहीं यहाँ टूरिस्ट का। मुझे हमारे कई एक्सपर्ट थे हमारे मित्र यहाँ राज बोलते थे यार राजगढ़ और हरिपुर का आप कैसा एरिया यूरोप लगता है, पर अगर हाईवे नहीं है तो मनाली की तरह आप जाओ जरा मनाली का या अटल टनल करो क्रॉस, 10,000 गाड़ी जो है पर डे क्रॉस करिए टनल से, वहाँ तो सारे नेशनल हाईवे इधर नाती है हाईवे। तो आप कम से कम बड़े सपने भी तो आप देख सकते हैं, तो बड़े सपने तभी देख लेना जब आपको बजट मिलेगा अच्छी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये भी इन्होंने कन्फ्यूजन फैलाया शुरू था कि शेड्यूल ट्राइब तो कर दिए, शेड्यूल एरिया ना थी भाई, शेड्यूल एरिया के लिए तो पहली कंडीशन हिमाचल गवर्नमेंट की वो देखिए बेचारे को मुख्यमंत्री की दोनों फाइलें उन्होंने मूव की और दिल्ली से बिल लेटर आया इनको, भाई आपका पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि शेड्यूल ट्राइब कितने परसेंट है, तो हम तो 68% है, तो अगर 50% से ऊपर है आप तो शेड्यूल एरिया होना है और शेड्यूल एरिया में। और दूसरी बात एक और है कि जो आपका जौनसार है वो शेड्यूल एरिया नहीं, अभी भी अगर आपकी आबादी 50 से ऊपर है तो बजट सब प्लान में अपने आप आना,
जो सब प्लान का जो बजट है। अब जैसे ये गुजर रो रहे, गुजर भाई हमारे रो रहे, जय हमारा मामला के जाओ एकदम हड़ताल कर, तो इनके साथ हमारा तो कोई कंपटीशन है नहीं, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया इनका नहीं बढ़ सकता। ये शेड्यूल ट्राइब है लेकिन एरिया, क्योंकि इनकी आबादी बहुत कम है, हमारी आबादी ज़्यादा है, तो हमारा शेड्यूल एरिया बढ़ना है और हमारा बजट भी बढ़ना है। और बजट और जो शेड्यूल एरिया में सबसे बात है कि कई प्रिविलेजेज आ रहे हैं कि इसमें राज्यपाल का नियंत्रण है, यहाँ रहेगा, और ग्रांट ही डेट आप ले सकते हैं भारत सरकार से, कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई 1,000-2,000 करोड़ का पैकेज होगा, जब जैसे सोलन से हाईवे बनाना है तो उसको जो जनजाति मंत्रालय जो है या वित्त मंत्रालय उसको स्पेशल बजट दे सकते हैं, ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है, तो इतना बड़ा पैकेज हम दूसरी जगह ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई हाईवे नहीं है और हमारा टूरिज्म तब तक प्रमोट नहीं होगा, अच्छा टूरिस्ट नहीं आएगा तब तक जब तक हाईवे नहीं होगा। तो ये जो फायदे हैं ये इतने ज़्यादा हैं, हर पंचायतों को बजट आएगा, हमने इसमें लिख लिया कि हमारी प्रायोरिटी महिलाएं रही है और हमारे नौजवान रहे, और महिलाओं के लिए इतनी ज़्यादा इसमें योजना है, 30 से 50 लाख, 90% सब्सिडी है, सस्ता लोन है, जिसकी आप इसको पढ़िए, और हमने देख रखा है, हमने अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कंडीशन हाउस है जी, एक चीज कि जो बच्चा ट्राइबल से आ रहा है उनको सबसे पहले एडमिशन बोलने, और एक ही बोलने सोपी बोलने, पहले जर्नल को तब आला नंबर जब उनसे सीटें पहुँच ली, ऐसे तो होता ना 7%, लेकिन अगर 10 बच्चे ट्राइबल के हैं तो ट्राइबल के 10 को 2 को मिलेगा हॉस्टल, और अगर नहीं मिल रहा मानो भाई दिवे 8 को मिल गया, गिर में ना हॉस्टल खाली है, तो उन्होंने डॉर्मेट्री बनाई अच्छी इंस्टीट्यूट में, जैसे मैंने JNU में देखी है डॉर्मेट्रीज है, जब तक तो उस बच्चे को जो है कमरा नहीं मिल रहा है तो तब तक डॉर्मेट्री में रहेगा और खाना वहाँ खाएगा, और हाईली सब्सिडाइज है कि लगभग 150 रुपये फीस नहीं है, इतनी हाईली सब्सिडाइज यूनिवर्सिटी है और अच्छी, तो हमारे बच्चे भी तो कम से कम वहाँ जा सकेंगे ना, और वो ये भी सपना देख सकेंगे, हमने तो इनके सपने ही खत्म कर दिए। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान रखते हुए बहुत बड़ा उन्होंने दिल दिखाया है, बहुत बड़ा दिल, और मैं तो ये आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ, क्योंकि जैसे मुझे पता लगा कि यहाँ जो राजगढ़ ब्लॉक में हमारा हट्टी मूवमेंट आगे चलना चाहिए था, क्योंकि हमने एक फैसला किया था कि पार्टी वाले अपने चलेंगे पीछे लेकिन हट्टी समिति हमारी पहले जाएगी, क्योंकि हमारा चला हुआ है और जन जागरण हमारा रहेगा और कमिटमेंट भी हमारी है मुख्यमंत्री के साथ और गृह मंत्री के साथ भी हमारी है। तो हट्टी जो लोग हैं, और हट्टी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने अभी लगभग 10 दिन से मैं रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा हूँ, और मेरे को 500 मैसेज दिया है कि आप हट्टी वाले आइए और शाम को आओ आप, क्योंकि अगर आप आते हैं तो वहाँ पार्टी ख़त्म हो जाती है एक ही चीज़, और मैं लगभग जो आपका दधाऊ से लेकर और दिवड़ी खड़ा तक मुझे कहता आप अलग आइए अपने साथ हट्टी के लाइए और हम सारे हम पार्टी को भूल जाएंगे और एक मत से सारे वोट एक साइड देंगे, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि मत देने का अधिकार हट्टी समिति को होगा, इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था इसमें, आप जो बोलेंगे उधर ही जाएंगे सारे वोट। और इसमें लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बीच में बहुत लोग हैं जो अभी इस तरह की, क्योंकि ये पैसे का और उसका तो खेल चलेगा राजनीति का, लेकिन जो सचेत लोग हैं, मैं इनसे भी बात कर रहा था कि राजगढ़ एरिया में हमारी शिक्षा बहुत है, बहुत बेटर है शिक्षा, तो आपकी जिम्मेवारी ये है कि अभी वैधानिक प्रक्रिया चली हुई है, अगर गलती से कहीं रिवर्स हो गया 5 की बजाय हमारे आंडो पांडो, तो अभी तो प्रोसेस है हमारा मुश्किल हो जाएगा, और कई उन्हें और चीज़ एक बात और बोलनी शुरू कर दी है हमारे जो भी जो पार्टियां हैं कि जी अब ये इनका क्या पता ये भारी हो जाए, अरे भाई हमारा मामला तो दिल्ली है, मोदी तो 24 से पहले बाहर नहीं है, बहुत से लोग ये भी कहना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा हमारा जो है हमारे साथ माननीय गृह मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री है जो व्यक्तिगत रूप से इसमें जो है और हाईएस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पास है, चलो हमारा केरला में होता हमारे साथ तो 6 स्टेट और है, सो बी लुक लेस सर। तो मैंने कहा ये विश्वास की बात है, पर आप लोगों का एक ही डर तो है सिर्फ आप पे वोटों के अंत हुए, कम से कम हमने सोलन वालों को भी बोलो कि अपने साथ 5-10 वोट लीजिए रखेंगे, क्योंकि आपके सामने जाति के आधार पर ये ध्रुवीकरण कर सकते हैं मतों, ये मैं बात विशेष रूप से बता रहा हूँ कि मतों का ध्रुवीकरण हो सकता है, क्योंकि जाति चीज जाति का जो जहर है इतना बुरा है कि हम झूठे अलग दे रहे सिर्फ अलग ले अपने साथ से, कितने भी हम बोलेंगे नहीं, तो आपसे तो मेरा हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि आप अपने गांव तक इन्हीं से मिल आस पास में जाओ और लार्ज स्केल में पोलिंग जो है
उसके लिए की जाए जो आपका माने जयराम के पक्ष में, माने जयराम का जो उनका प्रतिनिधि है, कि ताकि हमारा दिल भी रहेगा, हमारे को बोलेंगे ऊपर जाके कि वाकई बड़े लोग हैं, बड़े दिल हैं, जितना बड़ा दिल है उसने दिखाया, माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाया है, या तो उसके लिए हमारा समर्थन भी बड़ा होना चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि ये समझ लो कि आपके बच्चों का भविष्य कायम, और बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कुछ लोग बहुत हैं और सिलाई में ज़्यादा समस्या आ रही है हमारे सिलाई में, हालांकि कई बच्चे लड़ रहे हैं अपने माँ बापों के साथ भी, लड़ाइयाँ हो रही है। मेरे को कल भी टेलीफोन आया था कि भाई ये तो घरों में वहाँ के बच्चे हैं, उन्होंने तो रिवोल्ट कर दिया अपने कि भाई अब जब भी नहीं तुम सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे, और इतना बड़ा काम कब होना है, ये कभी नहीं हो सकता है। हमारा तो जिम्मेवारी अब 10-20 दिन एक्टिव रहो कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है और जयराम का। और एक चीज़ मैंने वो देखी है जो लेटेस्ट सर्वे आया कल, माननीय जयराम ठाकुर की रैंकिंग बहुत हाई है टेस्टर मोड में, लगभग 98%, इवन पूरे जो ट्रांसगिरी बेल्ट है उनकी जो रैंकिंग है बहुत ऊंची है इस समय। लेकिन जो ये सर्वे कहता है कि जो हमारे कुछ कैंडिडेट हैं रेणुका में, इट इज़ ए बेटर, रेणुका में बेटर है, लेकिन जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उसमें आपके यहाँ के कैंडिडेट की बेटरमेंट की ज़रूरत है। इसमें इस बात को आप ध्यान रखिए कि उसको सपोर्ट की, जो यहाँ की जो महिला आपके खड़ी है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, और ताकि आप उसको निर्णायक दौर पे उसको पहुंचा सके। तो आप प्लीज़ 20 दिन इतके अलावा तुम्हें मेरा तो हाथ जोड़ से आपका प्रार्थना है, आप लोग आए, आपने हमारा साथ दिया और आगे भी आप देंगे जो है, हम आपका बिल्कुल भी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि हमारा टारगेट ये है कि जो ये कापियाँ हैं लगभग हमारी 5,000 परिवार में जानी है, हमारे 42,000 फैमिली थी लेकिन 5,000 में इसको जरूर पढ़िए, इसमें सारे लाभों का पता लग जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं ये हम आपको दे देंगे, और इन्होंने इसका ऑर्डर भी कर दिया है, लगभग 1,000 कॉपी ये कल आ रही है। और इसके बाद अगर कोई भी और, हम लगभग 2-3 दिन मैं इनके साथ रहूँगा, हमारी ये जो टीम हम इसको रिओर्गनाइज करेंगे यहाँ पे, जो यहाँ की, क्योंकि ये टीम आगे चलनी चाहिए आपकी, हाटी वाली, एक के पास दे दो, सब बांटेंगे अपने आप, लेकिन हाटी समिति आपके पास आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगर आपके फिर भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो उसका भी हम समाधान कर सकते हैं।